हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए ये जो अपन लोगों ने पत्तियां चिपकाई थी फ्रेंड में हथौड़ा से प्रेशर दिया था। अब ये टैप निकालते हैं धीरे धीरे। ये देखिए ये वाला टैप निकालते हैं पहले। ये देखिए टैप में चिपकी है पत्ती, ये चिपकी है टैप में पत्ती और ये आया है, ये आ गया प्रिंट। अब इसको भी निकालते हैं। ये देखिए इसका भी आ गया है, इसको भी निकालते हैं। इसका काफी लाइट आया है इसका। देखिए इसमें क्या है कि अच्छे से हथौड़ा नहीं, अपन लोगों ने प्रेशर नहीं दिया है इसको। तो अगर जैसे ये देखिए इसको थोड़ा और अच्छे से प्रेस करना था, लेकिन तरीका यही है। ये देखिए आप, जैसे ये है, एक यहाँ लगाई थी एक यहाँ लगाई थी। और भी अगर कोई फ्लावर हो तो आप वो भी लगा सकती हैं, लेकिन फ्लावर ऐसे लगाएं कि जो ऊपर का शेप होता है फ्लावर का वो इसमें टच रहे और पीछे का हिस्सा भले आप कैंची से कट कर दें लेकिन फ्लावर तो जुड़ा रहे। जो वो ब्रांच में लगा होता फ्लावर तो, लेकिन मेन फ्लावर का शेप आना चाहिए। तो फ्रेंड अभी इसको बताते हैं, इसको कम से कम 10 मिनट सूखना चाहिए ऐसे। जब ये सूख जाएगा फिर पानी में धुल के बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये 10 मिनट हो गए हैं इसको सूखते हुए, तो ये छाया में ही सुखाएं। जैसे आपने जब ये प्रिंट किया है तो धूप में ना कपड़ा डालें, पंखे के नीचे ही रख दें, 10 मिनट पे सूख जाता है। जैसे अपन ने ये शेप बनाया था, ये शेप था, ये शेप था। धनिया की पत्ती होती ना मैडम, उससे बहुत अच्छा शेप आता। धनिया की पत्ती से भी जैसे आपको पसंद हो वैसे काट लीजिए। तो ये देखिए कितना अच्छा ओरिजिनल शेप आया है बिल्कुल, और ये पता भी नहीं चलता है, लगता है जैसे अपन लोगों ने खुद इतनी बारीकी से पेंटिंग की हुई है। और ये जल्दी भी हो जाता है। और भी जो आप फ्लावर वगैरह जो भी हो, लेकिन ऐसी चीज है से प्रिंट करें कि जो थोड़ी नमी युक्त चीज हो। जैसे जो पत्तियां हैं गमलों में लगी होती हैं तो वो हरी भरी होती है, ऐसी फ्लावर भी वो हरे भरे होते हैं। तो सूखे जैसे मान लीजिए अभी शरीफ वगैरह या कोई और ऐसे जो वृक्ष होते हैं वो सूखी पत्ती, उनसे इतना अच्छा कलर नहीं आता है। तो ये कलरफुल फ्लावर हो जो धनिया पत्ती वगैरह ये सब डार्क कलर को, तो उनसे बहुत अच्छा आता। ये देखिए अभी छोटी पत्ती अपन ने लगाई थी, इसे कितना अच्छा आया कलर। अभी आपको धुल के दिखाते हैं फ्रेंड। तो अपन लोग जब भी कपड़े धुलते हैं, कोई भी जिन कपड़ों में आप करेंगी, तो ये सब कपड़े नॉर्मल वाटर में धुलते हैं। तो ये पानी था तो ये हमने हल्का सा गुनगुना भी कर लिया था, इतना कि आपने हाथ इसमें अच्छे से डुबा पाए, बहुत खोलाना नहीं है, ये नॉर्मल पानी में कर लें। अब ये छूटेगा नहीं, क्योंकि कपड़े जब भी धुलेंगे अपन तो ठंडे पानी में धुलते हैं। तो ये है फ्रेंड, डुबाते हैं इसको, एक ये है और ये है, ये दोनों ही डुबाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, पानी में कर लिया है, कलर नहीं छूटा है। आप करके देखिएगा, बहुत अच्छे से हो जाते, बहुत अच्छी लगती है। ये फ्लावर वगैरह से होते थे, लेकिन पर हमने धनिया पत्ती से की पिलो कवर में। तो ऐसे ही छोटे छोटे से पूरे पिलो कवर में, बीच बीच में धनिया पत्ती कहीं बड़े कहीं छोटे, और ग्रीन कलर से ही पूरा।
बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए कोई नहीं छूट रहा है, ये देखिए। क्या है ना कि एक बार जो कलर उसके सेट हो जाते हैं फिर नहीं हटते। तो जिस भी शेप में आप चाहें फ्रेंड तो आप कर सकती हैं, बहुत जल्दी हो जाती है ये पेंटिंग। अगर जैसे आपको यही शेप अच्छा लगे तो कोई पिंक कलर का यही पूरे पिलो कवर है टेबल क्लॉथ में ये कर सकते हैं, बहुत जल्दी हो जाती है। नमस्कार फ्रेंड्स, थैंक यू। दिख रही है फ्रेंड, नमस्कार फ्रेंड्स, थैंक यू।